तो दोस्तों अमेजोन की तरफ से कुछ ऐसी पैकेजिंग में हमें ये कैमरा रिसीव हुआ है और इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ से हम इसे काटते हैं और अंदर देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो कैमरा है उसे पैकेज किया गया है। तो यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं और आप देख सकते हो एक बॉक्स में यहाँ पर हमें मिल जाता है हमारा कैमरा, और इस तरह से आप देख सकते हो आपको एक स्लिप भी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और इस तरह से इसकी जो बॉक्स है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसके सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर लिखे होंगे और साथ साथ में यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा कि कैमरा किस तरह का है और कौन कौन से ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। और दोस्तों कौन कौन सी एसेसरीज़ वगैरह आपको इस कैमरे में मिल जाती है वो सारा को सारा यहाँ पर मेंशन रहता है। तो चलिए यहाँ पर आप इसे फटाफट से ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइस इसके ऊपर के कवर को भी हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब फटाफट से इसे ओपन करते हैं और निकालते हैं अपने कैमरे को और आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं तो देख सकते हैं ये जो हमारा कैमरा है कुछ इस प्रकार से इसमें रखा हुआ है। अब इस कैमरे में हमें क्या क्या इसके साथ साथ जो एसेसरीज़ मिलती हैं वो सब कुछ यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो कैमरा है उसे रखते हैं हम साइड में और इसमें जो एसेसरीज़ वगैरह हैं वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। तो दोस्तों SJKM काफ़ी कुछ एसेसरीज़ आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए एक एक करके सब कुछ यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपके हेलमेट में माउंट करने के लिए है और आपको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल जिसे अपने आप मोबाइल के जो चार्जर है उसके अडेप्टर में लगाकर चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कवर मिल जाता है एक आपके कैमरे पर लगाने के लिए ताकि आपका जो कैमरे का जो लेंस है वो सुरक्षित रहे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और भी बहुत सारे एसेसरीज और यहाँ पर आपको मल्टीपल मिल जाते हैं दोस्तों। इतना कोई भी एक्शन कैमरा इतनी एसेसरीज नहीं देता। यहाँ पर आपको कार्ड मिल जाएगा, मैनुअल गाइड मिल जाएगी, तो आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ये कपड़ा मिल जाएगा, आप इससे क्लीन कर सकते हो अपने कैमरे को। तो चलिए इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। अब एक एक करके यहाँ पर एसेसरीज, यहाँ पर हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं आप, इसमें ओपन करके आपको ये मिल जाता हो तो इसमें लगा सकते हो। यहाँ पर ये माउंट मिल जाते हैं आपको हेलमेट में अपने एक्शन कैमरा को अटैच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमें बहुत सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पर जो इसकी जो वाटरप्रूफ केसिंग होती है उसका भी एक अलग से मिल जाता है, प्लस आपको जो इसका एक पहले से ही वाटरप्रूफ केस मिल जाता है जो कि कैमरा उसी में फिट होके आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे एसेसरीज, लगभग 12 से 13 एसेसरीज आपको मिल जाते हैं टोटल। तो यहाँ पर जैसे कि सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे पूरी एसेसरीज आप देख सकते हो ढेर सारा आपको मिल जाता है और इतना तो कोई भी एक्शन कैमरा नहीं देता, चाहे आप GoPro ले लो वगैरह कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। आप देखते हैं इसमें अपना जो सिम कार्ड है हमने एक मेमोरी कार्ड भी हमने मंगवाया हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसे भी अनबॉक्स हम कर लेते हैं। तो इस हमने जो मेमोरी कार्ड मंगवाया वो 64 GB का है और ये मुझे कुछ 599 ऐसे कुछ प्राइस रेंज में मिला हुआ है और मैं इसका जो लिंक है वो दे दूंगा, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। और यहां पर जो कैमरा है अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसे भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं और निकाल लेते हैं इस बॉक्स में से। हमने अपने 64 GB मेमोरी कार्ड को यहाँ पर रिमूव कर लिया है, निकाल लिया है इस बॉक्स में से। अब इसे हम लगाने वाले हैं अपने एक्शन कैमरा में। उससे पहले हमें जो इसका जो वाटरप्रूफ केस है उस तो हम अपने एक्शन कैमरा में से ये वाटरप्रूफ केस को रिमूव करेंगे और उसके बाद इस मेमोरी कार्ड को एंटर कर देंगे इसके अंदर। केस निकालने के बाद आपका जो कैमरा है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसकी और देखने में बहुत ही प्रोफेशनल लगता है ये कैमरा, ठीक है। तो आप देख सकते हो और इसकी जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार से की है। इसमें ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, आप इसे ईजिली हैंडल कर सकते हो और गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने का मिल जाएगा आपका कैमरा। यहाँ पर कुछ LEDs मिल जाएंगी, इंडिकेटर, यहाँ पर आपको
जो चार्जिंग केबल है वो लगाने के लिए, साथ साथ में आप इसमें लगा सकते हो एक एक्सटर्नल माइक जो कि SJKM का होगा, तो आप उसे इसमें लगा सकते हो। तो उसे भी, उसका भी लिंक मिल जाएगा, अगर आपको मंगवाना तो आप बिल्कुल मंगवा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब फटाफट से हम चलिए इसमें अपना जो मेमोरी कार्ड है वो लगा लेते हैं, और इस प्रकार से देखते हो हमने इसे ओपन किया और काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें इस कैमरे की। तो चलिए वो तो हम टेस्ट कर ही लेंगे, सबसे पहले तो इसमें मेमोरी कार्ड एंटर करते हैं। तो चलिए हमने इसमें ये मेमोरी कार्ड एंटर कर दिया है और लगा दिया है। अब ये जो कैमरा है वो हमारी तरह पूरी तरह से वर्क करने के लिए रेडी है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैंने मेमोरी कार्ड को पहले फॉरवर्ड नहीं किया था और ऐसे ही डाल दिया है। आपको जब पहले मेमोरी कार्ड लगाना है, सबसे पहले मेमोरी कार्ड को किसी अपने सिस्टम में या मोबाइल में आप फॉर्मेट कर लेना, कोई भी चाहे नया हो चाहे पुराना, उसे फॉर्मेट कर लेना, इसके बाद ही इसमें लगाना। फिर एक बार इस कैमरे के ज़रिए भी फॉर्मेट कर लेना, तभी आपका काम करेगा वो मेमोरी कार्ड, नहीं तो आपको यहाँ पर एरर दिखा देगा, जैसे कि आप देख सकते हो मुझे भी दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी इसके जो फंक्शन हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे रेजुलेशन में आपको ये 4K 2K 1080p, ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमने सब कुछ कर लिया है, आप देख लेते हैं इसकी जो वीडियो टेस्टिंग करके देखते हैं कि किस प्रकार की वीडियो यहाँ पर हमें शूट करने में मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम एक वीडियो शूट कर लेते हैं और आपको उसका सैंपल भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है अपने SJ6 लेजेंड से, और दोस्तों ये जो वीडियो मैंने लिया था और मुझे लग रहा है एक बेस्ट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मूर्ति विसर्जन का लिया गया है। और देख सकते हो इसकी क्वालिटी, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन है। ये आपको 1080p में मैंने लिया है, ठीक है, और ये 4K या 2K में भी नहीं लिया है। तो इसकी क्वालिटी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी बेटर रिस्पांस दे रहा है ये कैमरा, और काफ़ी मतलब इस प्राइस रेंज में इनफ है, मतलब जो क्वालिटी दे रहा है वो ऑसम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आपकी कोई भी क्वेरीज है इस कैमरे को लेकर तो भी कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कुछ इसके जो एडवांटेज हैं, और मतलब क्या इसमें बुराई है क्या अच्छा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर लेना, और अगर आपको ये कैमरा ख़रीदना है तो चेकआउट कर लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।